तो गाइस गाड़ी में गाने चल रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, हम लोग आज पूरी फैमिली हमारी आए हैं, हम लोधी गार्डन। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को अपने साथ लेके गई थी इंडिया गेट, और आज हम आए हैं लोधी गार्डन। लास्ट टाइम टोनी जसमीत नहीं थे बट और मम्मी भी नहीं थी, बट आज हम सारे हैं और आज हमारे साथ तमन्ना नहीं है। तो या पीछे सब गाड़ी पार्क कर रहे हैं, वो देखो मेरी फैमिली वो खड़ी, सब खाना निकाल रहे हैं। एक मिनट आगे से नहीं हो सकता। चलो, कुकर पकड़ा हुआ है। नहीं अभी नहीं है। इसने ना मेरी लिपस्टिक देख लिया और जिद कर रही है मेरे को ये चाहिए। सो गाइस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ लिपस्टिक्स अपनी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि दी अपने प्लीज फेवरेट न्यूड लिपस्टिक्स शेयर करो। तो न्यूड में पीच होती है, पिंक होती है, इसी तरह से ब्राउन्स भी होती है, ब्राउन्स लाइट ब्राउन में, कुछ इस तरह की शेड मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। जिसमें सबसे पहला जो शेड है वो है मेबेलिन न्यूयॉर्क का 655 डार्लिंग न्यूड, कुछ इस तरह का कलर है। दीपू क्लोज ले आओ कैमरा, ये वाला जो कलर है ये देखो, ये दिख ही नहीं रहा मेरे हाथ काले ना, क्या करूं, नहीं दिख रहा था गाइस, नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को ये कलर? दीपू कह रहे दिख नहीं रहा। बहुत ही क्रीमी है ये लिपस्टिक, इसका टेक्सचर इतना अच्छा है कि लगाने के बाद बिल्कुल भी आपके लिप्स को पैची नहीं करती है। अगर आपकी लिप्स ड्राई हैं तो आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, फर्स्ट हो गई मेबेलिन की। सेकंड जो है वो है अपनी स्टे कोर्की का शेड, हमें आवाज कम नहीं करनी चाहिए, रेनी रोड साइड डिजायर 9। ये भी बुलेट लिपस्टिक है और ये थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन शेड है, जैसे कि ये थोड़ा सा ब्राउन है। इसका स्वाच तो बिल्कुल मेरे हाथ पे दिखने नहीं वाला, और ये मैंने बिल्कुल भी अब तक यूज भी नहीं करी है। इसकी एक मेरे पास पड़ी है जो मैं यूज कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये भी लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा क्रीमी है, बहुत अच्छी लगती है। अगर आपका फेयर स्किन टोन है तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत प्यारी है, क्रीमी है। ये भी लिप्स के लिए बहुत अच्छी है, अगर आपके लिए ड्राई है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास पर्पल की शेड, इन द शेड लव स्ट्रक 1, और ये अगेन कुछ इससे सिमिलर ही शेड है, बट ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसमें एक शाइन और एक ग्लॉस दिख रही है आपको, बट ये बिल्कुल मैच है। अगेन थोड़ा सा अलग भी है, ये चॉकलेट ब्राउन है, ये ब्राउन है। बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है आपके, जिससे पता चल रहा होगा कि लिपस्टिक बहुत ज्यादा क्रीमी है, और इसका एप्लीकेशन और पिगमेंटेशन और फॉर्मूला कितना अच्छा है। नेक्स्ट ये, सो तीन बुलेट लिपस्टिक्स है और इसी तरह से तीन लिक्विड लिपस्टिक्स है। तो लिक्विड लिपस्टिक्स में सबसे पहला जो शेड है वो है NYB लिक्विड लिपस्टिक का, ये है मग्स एंड हग्स 12।
एप्लीकेटर बहुत अच्छा है इस लिपस्टिक का, और ये है कुछ इस तरह का शेड, बहुत ही प्यारा शेड है। इसकी एप्लीकेशन अगेन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत लिपस्टिक्स बहुत अमेजिंग है, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। ओके, सो जो नेक्स्ट है वो है मिलानी का शेड 10 एडोरेबल। ये लिपस्टिक्स मैंने रिसेंट में भी आप लोगों के साथ किसी हॉल में व्लॉग में शेयर करी थी, तो ये लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का है ये वाला कलर, चॉकलेट जैसी फ्रेग्रेंस आती है इन वाली मिलानी की लिपस्टिक्स में। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है पर्पल की इन दी शेड, इन दी शेड 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 ओके हाइकिंग दैट वन वांट टू रिपीट 4। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी अगर कोई कंफ्यूजन है आपको। ये देखिए ये वाला शेड है लास्ट। तो ये 6 लिपस्टिक्स हैं, 3 लिक्विड बुलेट लिपस्टिक, 3 लिक्विड लिपस्टिक्स ये वाली, और ये बहुत अच्छी हैं इस तरह के न्यूड में। और अगर आपको पीच में देखनी है तो भी मुझे बता दीजिएगा, अगर आप लोग को पीच और पिंक टोन में न्यूड चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। वैसे रिक्वेस्ट मुझे इसकी थी तो मैं वो भी आप लोगों के साथ अगले किसी ब्लॉग में या हॉल में शेयर कर दूंगी। सो या अगर आपको ये सारी लिपस्टिक्स परचेज करनी है इनमें से कोई सी भी, तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली अवेलेबल है, वहां पे आप क्लिक करके इजीली बाय कर सकते हो। और अभी पर्पल पे चल रही है अप टू 50% का ऑफ, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिलेगा अगर आप स्क्रीन पर दिया हुआ मेरा कूपन कोड जो कि है GET100 अगर वो यूज करेंगे। सो या यही है आज का मेरा रिक्वेस्टेड पार्ट, रिक्वेस्टेड वीडियो। सो या चलिए अब हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार मास्टर हटा दो, आलू पूरी भी can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo. So calling इसके तो हर जगह राइम्स है बस, मेरे बस की तो नहीं है इसको चलाना।
सो गाइस हमने खाना खा लिया और वो बैठे पीछे सब, और दीपू गए हैं मायरा के साथ उसको डक दिखाने, तो मैं भी बस वहीं पर ही जा रही हूँ उनके पास। और मैं निकल तो गई, मैं थोड़ी देर बाहर निकली हूँ लेकिन मुझे अभी दीपू दिख नहीं रहे, कहीं ऐसा ना हो मैं खो जाऊँ क्योंकि मुझे दीपू नहीं दिख रहे हैं दूर दूर तक भी। ओके ओके मुझे दिख गए, पानी का स्वेटर दिख गया है मुझे, मैं पहुँचती हूँ। अच्छा मुझको मिल गया मेरा बच्चा, मायरा भाई इधर आओ, मायरा मायरा खो जाओगे, इधर आओ, हप 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 हप। दीपू वहां पे आना, तोते और कबूतर दोनों हैं, मायरा को खड़ा करने। वो देखो कबूतर और तोते, मैं तोता नहीं जा रही। और वहां पे देखो शूट चल रहा है, इट्स अ शूट गाइस। ओए मेरा बच्चा जब से ब्याला, मेरा काका, मेरे छाले कबूतर कहाँ गए? इसकी चूड़ी चूड़ी तितूली तितूली मक्खन लगा दो और साथ में चाय मिल जाए, चाय साथ शानदार। गर्म हुई रोटी, लो गरम गरम रोटी, गरम गरम रोटी की चीजें नहीं हमारे राजमा चावल खाना है, चाय पी रहे हैं सब, चाय आना सब, चीयर्स करना दीदी। मायरा पानी, मेरे को बबल जितने पसंद है। I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. हमने पिकॉक भी देखे, वो देखो कितने सुंदर सुंदर है दो। ये ना भाग जाते हैं। मारा पिकॉक, ये देखो पिकॉक गाइस। यार एक बार मोर अपने पंख खोल दो प्लीज, मोर प्लीज। अभी छोटे हैं, अपने पंख खोल दो पिकॉक। मेरे नो कुछ करेंगे तो नहीं दीपू? नहीं नहीं पक्का मारते नहीं है। वाओ जब हम लोग निकल रहे हैं सब बाहर, ये तो मायरा सो गई है दीपू के पास। तो गाइस अब हम घर आ गए और हम कपड़े चेंज करें। सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मायरा चिड़चिड़ कर रही है इसलिए मैं जल्दी भी ब्लॉग एंड करूं। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।